महागठबंधन वाले कह रहे हैं एमआईएम बीजेपी की टीम है, अब नए सिरे से एमआईएम वाले कह रहे हैं जन स्वराज बीजेपी की टीम है। मोदी जी मंदिर को बनाने के लिए वोट मांगा, आपने दिया, मंदिर तो बना दिया। नीतीश जी जल नल धन के लिए दिया, पहुंचा दिया, भले 1 टका के बदले में 1000 टका लगता है ना भाई। लालू जी का गरीबों का आवाज बनाई, हल्ला किया, भले गरीब से खुद वह करोड़पति अरबपति बन गए, अमीर बन गए, अपने बेटे को अमीर बना दिया। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के बाद, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद किसी का चेहरा है जदयू में? नीतीश कुमार के बाद जदयू किसी हर हाल में विलय हो जाएगी? जिस काम के लोगों ने वोट दिया है वो काम तो हुआ। अब हम लोग कहते हैं जन स्वराज वाले, इस बार अपने बच्चे के नाम पर वोट दीजिए, अपने इलाके के नाम पर दीजिए, अपने बदहाली के नाम पर वोट दीजिए, अपने शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां जमीनी सतह पर अवाम को मनाने, समझाने और रिझाने में लग गई है, जुट गई है। वहीं 2 अक्टूबर 2024 को बनी प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज प्रखंड स्तर पर पार्टी को मजबूत प्रदान करने हेतु प्रखंड स्तरीय कमेटी गठित करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज जनस्वराज के संस्थापक सदस्य तौकीर अहमद के नेतृत्व में दिगल बैंक प्रखंड के तुलसिया में प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड महिला अध्यक्ष, प्रखंड युवा अध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, कार्यालय प्रभारी आदि जिम्मेदारियां सौंपी गई। साथियों, आपको बताते चलें कि दिगल बैंक प्रखंड के अध्यक्ष बने हैं मनदीप रजक, उपाध्यक्ष जफर हुसैन, जागेश्वर गोस्वामी, नजरुल इस्लाम, जिगर आलम। संगठन महासचिव बने हैं मोहम्मद गुलाम सरवर, महिला अध्यक्ष चंदा देवी, किसान अध्यक्ष मोहम्मद हाशिम, युवा अध्यक्ष कौनैन रिजा, कार्यालय प्रभारी चंदन कुमार झा, प्रखंड प्रवक्ता डॉक्टर शंभुनाथ झा आदि वो लोग हैं जिन्हें इस पार्टी ने अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। आपको बताते चलें कि इस मौके पर मौजूद रहे पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मसविर आलम, युवा जिला अध्यक्ष इकरामुल हक, महिला जिला अध्यक्ष रजिया सुल्ताना, वो पार्टी के दिगर दर्जनों जिम्मेदार इस मौके पर मौजूद रहे। वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि आगे पार्टी के जिम्मेदारों ने इस मीटिंग को लेकर, पार्टी के लक्ष्य को लेकर और विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए वीडियो में आगे सुनते हैं। देखिए, आप तो जानते हैं जनस्वराज 2 अक्टूबर जो अस्तित्व में आया, उससे पहले जनस्वराज मेरा अभियान था बिहार के हालात को जानने का, बिहार की बदहाली को जानने का, उसके उपाय ढूंढने का। इन सारी बातों को 2 साल करने के बाद हम लोग 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक दल का, क्योंकि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में जब तक सत्ता आपके पास नहीं आएगा, आप व्यवस्था आपके पास नहीं आएगा, आप विकास कर नहीं सकते। हम लोगों ने जन स्वराज पार्टी का गठन किया और उसी को लेके अब हम लोग जिला स्तर ही नहीं बल्कि वार्ड स्तर पर संगठन बना रहे हैं। इसी क्रम में आज 2रा दिन है हम लोगों का, उठिया घोषणा हो चुका है, आज दिगल बैंक हुआ, कल बहादुरगंज होगा। इसी तरह हम पूरे जिला में प्रखंड स्तर पर, फिर बाद में पंचायत स्तर पर संगठन का घोषणा करेंगे। हम लोग जमीन पर जाके हर वार्ड में जाके हमारे लोग रहेंगे और वहाँ की समस्याओं को हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, प्रोफेसर मसविर आलम की पार्टी नहीं है, रजिया सुल्ताना की पार्टी नहीं है, ये बिहार के लोगों की पार्टी है। बिहार के लोगों ने मिलकर उसको बनाया है और मिल करके ही इस पार्टी का कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाए। इसके साथ ही नहीं, यकीन के साथ। अच्छा, अब तक आप जैसा आपने सवाल किया, मैं सब पार्टी को देखा हूँ, सब पार्टी के साथ रहा हूँ, मोटा मोटी सभी पार्टी का जिला। मुझे हमारा मकसद, हम स्वराज का मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। मुझे नीतीश जी से भी कोई बैर नहीं, लालू जी से कोई बैर नहीं, हमको मोदी जी से बैर नहीं, हमको बैर है यहाँ की बदहाली से, यहाँ की अशिक्षा से, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था से, यहाँ की फटेहाली से, यहाँ के पलायन से। उस व्यवस्था को हम लाना चाहते हैं। इसके लिए बिहार, ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, प्रोफेसर मुसव्विर की पार्टी नहीं है, ये पार्टी बिहार की जनता के लिए। प्रशांत किशोर काम कर रहा है, प्रोफेसर मुसव्विर काम कर रहा है, बिहार की जनता की पार्टी है ये, उसके लिए हम काम। फैसला बिहार की जनता को लेना है। बिहार की जनता क्या चाहती है? ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, अगरा पिछड़ा की राजनीति करेगी न, फिर वो बिहार के लिए राजनीति करेगी, बिहार के पुण्य, बिहार का गौरव। जब मेरे यहाँ देवता भी, देवी देवता भी ज्ञान प्राप्त करने मेरे बिहार में आए और हमारे बच्चे आज अशिक्षित, ये दुर्भाग्य है।
सर एक सवाल है ना, महागठबंधन वाले कह रहे हैं MIM बीजेपी की टीम है, अब नए सिरे से MIM वाले कह रहे हैं जनसुराज बीजेपी की टीम है। वो कोई किसको कहे, मैंने तो कहा भी है पब्लिक को, मैं सीधे कह रहा हूँ मोदी जी मंदिर को बनाने के लिए वोट मांगा आपने दिया, मंदिर तो बना दिया, नीतीश जी जल नल धन के लिए दिया पहुँचा दिया, भले 1% के बदले में 1000% लगता है ना भाई। लालू जी का गरीबों का आवाज बनाई हल्ला किया, भले गरीब से खुद वह करोड़पति अरबपति बन गए, अमीर बन गए, अपने बेटे को अमीर बना दिया, जिस काम के लोगों ने वोट दिया है वो काम तो हुआ। अब हम लोग कहते हैं जनस्वराज वाले कि इस बार अपने बच्चे के नाम पर वोट दीजिए, अपने इलाके के नाम पर दीजिए, अपने बदहाली के नाम पर वोट दीजिए, अपने शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए। तो की भाई आपका नाता जदयू पार्टी से था और आप उस पार्टी में माशाल्लाह एक अच्छे ओहदे पर थे और वो वर्तमान में उस पार्टी की बिहार में सरकार भी है, रूलिंग पार्टी है, उस पार्टी को छोड़कर आप जनस्वराज पार्टी में आए, क्या जरूरत पड़ गई? जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जब सरकार बनाए तो उनका जो बिहार का एक लगाव था, उनका अपनापन था बिहार से, बिहार के लिए। हम लोग आपको याद होगा कि बिहार में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी लालू यादव को हरा के, तो हमारे यहाँ ना अच्छा रोड था, ना बिजली थी, ना हॉस्पिटल था, ना स्कूल था। नीतीश कुमार ने बहुत ही तेज़ी से हमारे बिहार को एक अच्छा, मतलब कहा जाए कि ऊंची उड़ान उड़ाए, जिसमें उन्होंने रोड पे काम किया, बिजली में काम किया, स्कूलों में काम किया, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा कि वो एक बार रेल मंत्री बने थे, रेल मंत्री में एक हादसा हुआ था, हादसा होने के बाद उन्होंने अपना रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आपको याद होगा नीतीश कुमार जब दोबारा लड़े इलेक्शन तो उनको कुछ कम सीट को टिकट देंगे, यहाँ कोई दबंगी नहीं, यहाँ कोई टिकट पैसा का खेला नहीं होगा, यहाँ सिर्फ पब्लिक, जनता, जनता का राज चलेगा, जनता जिसको चुनेगी टिकट उसी को मिलेगा। सर आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, हमको उम्मीद नहीं था कि हमारे दिगल बैंक प्रखंड के हर कोने से, हर पंचायत से, यहाँ तक के हर वार्ड से लोग आज आपके तुलसिया के प्रांगण में आए थे। लगभग हमारा प्रखंड जो है लगभग 16-17 किलोमीटर का दूरी में है और हर वार्ड से लोग यहाँ आए थे, और आप भी देखे होंगे, आपके वीडियो में भी आएंगे, लगभग हमारा 200 से 300 कुर्सी पूरा फुल।